हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग व्लॉग्स में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि तुलसी को बहुत ही फास्ट तरीके से कैसे ग्रो करते हैं, और वो भी उसके बीजों से। आपको कुछ नहीं करना है, केवल तुलसी के बीज से ही आप अपनी तुलसी को घर में लगा सकते हैं। और तुलसी जितनी ही हरी होगी उतना ही अच्छा है। तुलसी हम लोगों के लिए बहुत फायदा भी है। अगर बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो हम तुलसी का ही रस बच्चे को पिलाते हैं। तो आज आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि तुलसी को फास्ट तरीके से कैसे ग्रो करते हैं, केवल 15 से 20 दिनों में। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसको करना क्या है। ये देखिए, ये हमारी तुलसी है। मैंने 2-3 जगह पे तुलसी लगाई रखी है। ये हमारा सबसे बड़ा तुलसी का पौधा है, इसलिए मैं इससे ही वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए, इसके जो बीज निकल आए हैं ये आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बीज है, इसको, ये तुलसी का बीज है। देखिए इसमें फूल भी आए हुए हैं। इस फूल को आप झाड़ दीजिए, ऐसे इस तरह से हाथ से आप झाड़ दीजिए। और ये जो बीज है इसे हम कट कर लेंगे। ये जो जहाँ से बीज आपको दिख रही है, ये देखिए, ये यहाँ से बीज है, इसे हम कट कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप सारे बीजों को, जितने भी बीज हैं, इसको आप निकाल लें। क्योंकि अगर आप बीज की कटिंग नहीं करेंगे तो तुलसी का ग्रो अच्छे से नहीं होगा। अभी मैंने इसे 10 दिन पहले ही इसके सारे बीज हटाए थे। देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, फिर से ये बीज आने शुरू हो गए, इतने सारे हो गए, जो कि मैंने सारे बीज हटा दिए थे। देखिए ये चारों तरफ से, देखिए सारे बीज हैं। ये सारे बीज आपको हटा देने हैं और इसी बीज को धूप में आपको सुखाना है। ये बीज धीरे धीरे करके एकदम सूख जाएगा। और इस बीज को सुखा कर, देखिए मैंने इसे निकाला है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बीज को आपको पूरी तरह से सुखा देना है। ये देखिए, ये तुलसी का बीज है जिसको मैंने धूप में 2 दिन तक सुखा लिया है। और सूखने के बाद इसको आप अच्छे से सफाई कर ले, ये जो डंठल दिख रहा है इसको हटा लें और बीज को अलग कर लें। ये देखिए, बीज को अलग करने के बाद ये जो सूखा हुआ है, इसको गीला नहीं लगाना है, ये जो सूख गया है बीज, इसी को आपको मिट्टी में मिलाकर लगाना है, जिससे तुलसी करीब 10 से 12 दिनों में तुलसी उगने लगेगी। ये देखिए, ये पहले हरा था, ये बीज जो हरा हो जाता है उसको मैंने काट लिया है। काट कर हटाने के बाद वो जो सूख जाता है धूप में सुखाने के बाद, उसे लगाना है। सूखने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखेगा, ये देख रहे हैं, यही बीज आपको मिट्टी में मिलाना है, डालना है। और डालने के बाद, बीज को डालने के बाद ऊपर से फिर आपको मिट्टी डाल देना है। और मिट्टी डालने के बाद फिर से आपको पानी अच्छे से डालना है। और देखिए वो सूखे ना, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। इसी तरह से पानी डालने के बाद आप देख पाएंगे कि 10 से 12 दिनों में छोटी छोटी तुलसी आने लगी है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि जब छोटी छोटी तुलसी आने लगी है, मतलब हमारा तुलसी का पौधा लग गया है। तो इसी तरह से आप बीज से ही आप अपनी तुलसी उगा सकते हैं। और इसकी कटिंग करते रहिए, जब भी देखिए कि ये बीज आया हुआ है तो इसकी कटिंग करते रहिए, ये बीज रहना नहीं चाहिए। जैसे ही आप बीज हटाएंगे, देखिएगा इसकी ग्रोथ और दुगने तरीके से बढ़ने लगेगी। ये देखिए, ये कितना बड़ा तुलसी का पौधा है मेरे पास, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। ये देखिए, इसी तरह से आप अपनी तुलसी को घर में बहुत ही फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। बस इसकी कटिंग करते रहिए और इसके बीज को सुखाकर अच्छी तरीके से मिट्टी में डालकर आपको फिर से ऊपर मिट्टी से ढक देना है और उसमें पानी डालते रहना है। बस 10 से 15 दिनों में तुलसी आने लगेगी, ठीक है व्यूअर्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।